मैंने 250 ग्राम गोश्त लिया। ये देखे मैं इसको अब धोने लगी हूँ। हाँ जी ये देखें दाल भुन गई है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी और 10 मिनट के लिए कुकर लगा दूंगी। ये मैं अब गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे और हम भी ठीक है। मैं आज होम रूटीन में चनों की दाल और चिकन बना रही हूँ। मैंने हाँ जी मैंने ये घी डाला है। अब मैं इसमें डालने लगी, जैसे घी गर्म होता है मैं इसमें प्याज डालूंगी। हाँ जी ये घी गर्म हो गया, मैंने प्याज डाला इसमें। जैसे प्याज भूनता है फिर इसमें बाकी के मसाले डालती हूँ। हल्का सा इसे ब्राउन करूँगी, इसके कलर बदल जाएगा। तो चिकन और चनों की दाल बहुत मज़ेदार बनती है। हाँ जी ये देखिए प्याज का कलर बदल गया है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, साथ डालूँगी सब्ज मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट देके भून गया और साथ ही मैं टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 250 ग्राम गोश्त लिए। ये देखे मैं इसको अब भूनने लगी हूँ। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कुटी मिर्च। दो चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैं हल्दी का शामिल करूंगी। और 1 चम्मच कुटी मिर्च का शामिल करूंगी। ये मैंने पीसी मिर्च डाली इसमें 1 चम्मच और साथ डालूंगी मसाला, साबुत मसाला। ये मैंने मसल के डाला। अब मैं हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी। ये देखें अच्छी तरह भुन गया मसाला। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चनों की दाल, जो कि मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी हुई थी। हाँ जी ये देखें दाल भुन गई है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी और 10 मिनट के लिए कुकर लगा दूंगी। ये अब मैं कुकर लगाने लगी हूँ 10 मिनट के लिए। हाँ जी ये देखें वेट चल पड़ा है। 10 मिनट के बाद मैं इसको बंद करती हूँ। वेट इसका चल गया 10-15 मिनट के लिए। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। ये देखिए दाल तैयार हो गई है।
और अच्छी तरह नरम भी हो गई है। मैं आप इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया। ये मैं अब गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें चिकन और दाल कितनी मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप हमारे होम रूटीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।